मैं नेहा सेन हिंदी विषय को लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पहला पाठ ध्वनि। ठीक है, ध्वनि आप सब जानते हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि किसके द्वारा रचित है? ध्वनि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि हिंदी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हैं, कवि रहे थे। उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी जो जीवन को लेकर के उनमें बहुत सारे निराशा से संबंधित उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने निराशाओं को पीछे छोड़ करके आशाओं का दामन थामा और अपने जीवन की समस्त कठिनाइयों को पार करते हुए वो मुकाम हासिल किया, वो मंजिल हासिल करी जो आज शायद किसी और को हो। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनका जन्म सन 1896 में मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। इनके पिताजी का नाम राम गणेश त्रिपाठी था और इनकी जो जीवन था, उनके जीवन में बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनके जीवन में किसी का भी प्रेम उनको नहीं मिला। उनके जो माता पिता थे, उनके चाचा चाची, इनकी पत्नी, उन सबका स्वर्गवास जल्दी हो गया था, वो किसी महामारी पर भेंट चढ़ गए थे। अंत में उनकी केवल पुत्री बची थी, जिसका नाम सरोज था, उसका भी विवाह के समय पर उसका मृत्यु हो जाती है। हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा शोक गीत है जो कि उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे लिखा था, सरोज स्मृति के नाम से, और वो हिंदी साहित्य की एक अनूठी देन मानी जाती है। ठीक है, तो उन्होंने ही, किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने ही अपने जीवन में आशाओं को भरते हुए, निराशाओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए कविताओं की रचना की। उन्हीं में से एक है ध्वनि। ध्वनि में उन्होंने यौवनावस्था का वर्णन किया है, जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में चारों ओर खुशियां छा जाती है, हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार जीवन में भी, व्यक्ति के जीवन में भी जो चार अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, यौवनावस्था, प्रौढ़ावस्था और अंत में वृद्धावस्था, तो यहाँ पर कवि ने यौवनावस्था का वर्णन किया है। ठीक है, तो यौवनावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? जैसे प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन होते हैं, उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली कविता है हमारी ध्वनि। ध्वनि के अंदर क्या बता रहे कवि? अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुर वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि कह रहा है कि अभी तो मेरे जीवन का आरंभ हुआ है, अभी मेरे जीवन का अंत होने वाला नहीं है। अभी अभी तो मेरे जीवन में ये वसंत आया है, ये यौवनावस्था अभी अभी तो मेरे जीवन में आई है, मेरे मन मन में मृदुर वसंत, ये मधुर वसंत रूपी जो यौवन है, अभी अभी मेरे जीवन में इसका आगमन हुआ है, इसीलिए अभी इसका अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पार, डालियां कलियां कोमल गात, और इस जिस प्रकार वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में चारों ओर पेड़ों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, नए नए पत्ते आते, कोमल कोमल फिर नए नए फूल आते हैं, फूलती है, जैसे चैत के महीने में नए नए पुष्प आते हैं, नए नए पत्ते आते पेड़ के ऊपर, वैसे ही यौवनावस्था के अंदर व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन आते हैं, उसका शारीरिक परिवर्तन से वो बहुत सुंदर दिखता है वो, तो ऐसे ही हरे हरे एक बार हरे हरे इसके पत्ते हैं, डालियां हैं, कलियां हैं, कोमल कोमल शरीर, गात के शरीर है यहाँ पर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुर कर, पेड़ों का निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर, कि मैं ही अपने अपने सपनों के द्वारा, यानी कवि के जो सपने यहाँ पर बहुत बड़े हैं, वो अपने सपनों के माध्यम से, अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से इस संसार में नया परिवर्तन करना चाहता है, वो आशाओं से संसार को भर देना चाहता है, निराशाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ पे कर रहा है वो, कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुर कर, पेड़ों का निद्रित कलियों पर, सोई हुई कलियों के ऊपर मैं अपने हाथ फेरूंगा, यानी जो व्यक्ति आलस्य से भरे हुए, निराशाओं से भरे हुए, उन व्यक्तियों में आशा का संचार करूंगा, किसके माध्यम से? अपने सपनों के माध्यम से, अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से। जगह एक प्रत्युष मनोहर, यहाँ पे प्रत्युष का अर्थ होता है सवेरा, और मैं अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उन सोई हुई कलियों को एक नया सवेरा प्रदान करूंगा, जिससे उनमें आशाओं का संचार होगा, वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस लाल सा खींच लूंगा मैं, जो भी पुष्प सोए हुए हैं, मतलब आलस्य में डूबे हुए हैं, रात्रि होती है, रात्रि के समय पर जब सूर्य छिप जाता है, सूर्य छिपने के बाद में तो आपने देखा होगा पत्ते हैं, फूल हैं, वो मुरझा जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, जैसे कमल का फूल है, सूर्य आता है तो वो खिल जाता है, जब सूर्य छिप जाता है तो वो बंद हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर कहा है कवि ने कि पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस लाल सा खींच लूंगा मैं, जो भी पुष्प आलस्य में डूबे हैं मैं उनका आलस्य में खींच लूंगा, उनकी जो निद्रा है उसको मैं खींच लूंगा, अपने न
जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं, और उन कलियों में, उन सोई हुई कलियों में, उन आलस्य से डूबे हुए व्यक्तियों में मैं अपने जीवन रूपी अमृत से उसको सींचूंगा और उन्हें निराशाओं से दूर करूंगा, आलस्य से दूर करकर उनमें स्फूर्ति भरूंगा, उनमें जीवनदायक शक्ति भरूंगा। ये यहाँ पे कवि कह रहा है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां आनंद, मैं उन समस्त व्यक्तियों को, उन समस्त निराशाओं को द्वार दिखा दूंगा जहां पर मेरे भी निराशाएं छिपी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कवि ने कि कवि ने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा है। कवि ने अपने माता पिता को खोया, अपने भाई बहनों को खोया, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को खोया, तो इन सब निराशाओं के बावजूद भी उसने आशा रूपी जो किरण उसने दिखाई दी, उस आशा के माध्यम से उसने अपने जीवन का यापन किया, अपने जीवन को इतना अच्छा बनाया कि आज हिंदी साहित्य में उसका बहुत बड़ा नाम है। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाह रहा है कि जैसे मैंने मेरी कठिनाइयों का सामना करा, वैसे ही इस कविता के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों को शिक्षा दे रहे हैं, उन व्यक्तियों को, निराशा से भरे व्यक्तियों को ये समझा रहे हैं कि आप में भी आत्मविश्वास को जगाओ, उस आत्मविश्वास को जगाओ कि आप निराशाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो और विजय प्राप्त करके आप जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए अभी ना होगा मेरा अंत, इसलिए मेरा अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि मुझे अभी अपने जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को प्राप्त करना है और बहुत कुछ जीवन में करना है। ये तो थी आपकी कविता। हमने कविता पढ़ी, कविता में कुछ काव्य की विशेषताएं होती है, जैसे कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई लंबा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, जैसे व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं होती हैं, उसकी आंतरिक विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ऐसे ही काव्य में विशेषताएं भी बहुत सारी, जैसे उसमें अलंकार होते हैं। अब मैंने आपको अलंकार पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था अलंकार क्या होता है, उसका पूरा वीडियो मैंने आपको बना करके बताया था ये कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। जैसे महिला या पुरुष सुंदर दिखने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरीके को प्रयोग करते हैं सुंदर दिखने के लिए, सजते हैं, संवरते हैं, ऐसे ही काव्य को सुंदर बनाने के लिए कवियों ने भी अलंकार का प्रयोग किया। अलंकार बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे शब्द अलंकार होते हैं, अर्थ अलंकार होते हैं, उभय अलंकार होते हैं। तो यहाँ पर आपको अलंकार के बारे में बताया गया है, हम देखते हैं क्या बताया गया है। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई, पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, कविता की हरे हरे ये बात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। बच्चों मैंने आपको बताया था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहां पर समान शब्दों की आवृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और जहां पर शब्द तो सेम है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और जहां पर एक तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्द तो सेम होते हैं, उनके अर्थ भी एक होते हैं। श्लेष अलंकार के अंदर शब्द एक ही होगा, उसके अर्थ एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था पानी गए न उबरे मोती मानुष्य, तो पानी का अर्थ यहाँ पर मोती मनुष्य और चून यानी आटे के लिए अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। और यमक अलंकार जो होता है उसमें शब्द भी अलग अलग होते हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। तीन बेर खाती है भूषण की कविता का उदाहरण है ये कि तीन बेर और तीन बेर, यहाँ पर तीन बेर दो बार आया लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तीन बेर खाती थे, वो तीन बेर खाती है, शिवाजी का जब आक्रमण हुआ था मुगलों के ऊपर, तो मुगलों की जो रानियां थी वो जहाँ राजा के महलों में निवास करती थी वो अब जंगलों में भटक रही है, और जहाँ वो तीन टाइम खाना खाती थी पेट भर भर के, आज उनको वो जो बेर आते हैं ना, हम बेर खाते हैं, उन बेर तीन तीन बेर खा करके उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर तीन बेर, पहला ये वाला तीन बेर और फिर ये वाला तीन बेर, शब्द सेम है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर तीन बेर का मतलब है तीन टाइम खाना खाती थी, और यहाँ पर तीन बेर का मतलब है वो फल, वो तीन बेर के फल खा करके अपना जीवन यापन कर रही है। ठीक है, देखो जो तीन बार खाती थी वह तीन बेर खाने लगी है, एक शब्द बेर का दो अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया है। ठीक है, इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से, उच्चारण यानी बोलना, शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों दो प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का, यहाँ पर मन का यानी मन से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, दिल से रिलेटेड है, और मन का यानी मोती होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है,
ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। ठीक है, फिर है कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पार। इस पंक्ति में क्या है? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण तो विशेषता होती है और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर दिए गए वाक्यांश में गात, वसंत और पात शब्द विशेषण है क्योंकि इनकी विशेषता क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। किस किस की विशेषता यहाँ पर? गात यानी शरीर की विशेषता क्या है? वो कोमल है, तो कोमल यहाँ पर क्या हो गया? विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बताई जा रही है? शरीर की, गात की, तो ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। फिर मृदुल यानी कि कोमल, मृदुल यानी कि मधुर, मधुर किसकी विशेषता है यहाँ पर? विशेषण की, इसकी वसंत की विशेषता है, तो ये विशेष्य हो गया और ये विशेषण। हरे हरे ये पात, पात यानी कि पत्ते और हरे हरे इसकी विशेषता हुई। ठीक है, हिंदी विशेषणों की सामान्यतः चार प्रकार माने गए हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। बच्चों देखो, जिस प्रकार की विशेषता है उसको उसी प्रकार से माना गया है। जैसे यहाँ पर पहला है गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण के द्वारा व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, रंग, रूप, आकार का पता पड़ता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों से परिमाण का, परिमाण कहते हैं नापतोल को, जिन विशेषणों से किसी वस्तु के नापतोल का पता पड़ता है तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक, जहां से संख्या का पता पड़ता है, नंबर्स का पता पड़ता है, जैसे दो किलो, सॉरी जैसे दो है, चार है। अब इसमें और इसमें अंतर देखो, परिमाणवाचक का मतलब क्या होता है? नापना, जैसे दो किलो, दो मीटर, चार किलो, चार मिलीलीटर, तो यहाँ पर मात्राएं आती है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? दो व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, चार किताबें रखी है, तो ये यहाँ पर संख्यावाची विशेषण होंगे। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण में जहाँ पर सर्वनामों के माध्यम से विशेषता बताई जाती है, जैसे मैंने कहा यह मेरा पेन है, तो यहाँ पेन के साथ में क्या आया? मेरा, तो यहाँ पर सर्वनाम क्या हुआ? मेरा के साथ आया, तो वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, तो वो यहाँ पर क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको विशेषणों के प्रकार को समझना है अच्छी तरीके से और होमवर्क करना है। हमने कविता में कठिन शब्द देखे, उन कठिन शब्दों का अर्थ देखो इधर। मृदुल यानी कि कोमल, कोमल सॉफ्टनेस, ठीक है, तो मृदुल वसंत यानी कि कोमल वसंत, पात यानी कि पत्ते, गात यानी कि शरीर, गात को गाल मत समझ लेना तुम लोग, ठीक है, गात यानी कि शरीर, ठीक है, निद्रित यानी कि सोया और निद्रित कलियों पर फेरूंगा मैं, सोई हुई कलियों पर मैं हाथ फेरूंगा, प्रत्युष यानी कि प्रातःकाल, तंद्रा आलस यानी कि नींद से अलसाए हुए, जब किसी व्यक्ति को नींद आती है तो उसको आलस आता है बहुत ज्यादा, तो इसी को कहते हैं कि नींद से अलसाया हुआ, लालसा कुछ कर पाने की चाह या अभिलाषा या इच्छा, हमारे मन में किसी चीज को पाने की जो अभिलाषाएं होती है, इच्छाएं होती है, हमारी मनोकामनाएं होती है, वो क्या कहलाती है? लालसा कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला पार्ट आठवीं कक्षा का वसंत पूरा हुआ। धन्यवाद।